सैफ साहब, आपसे इससे पहले ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, जिस तरह से आप ये कह रहे थे कि नैब के केसेस जो बनाए गए हैं उस पर इख्तियार नहीं है, लेकिन पिछली मर्तबा भी ऐसा ही हुआ कि बहुत से इकदाम जो आपने किए तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने किए, बेशक वो नैब से मुतल्लिक हो, इमरान खान साहब फरमाते हैं मेरे अंडर नहीं थी, होनी भी नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन कहा यही गया, तासुर यही मिला कि बहुत से फैसले आप नहीं कर रहे थे और असम्बली में बिल पास करवाने के लिए भी आपको कॉल्स करना पड़ती थी। तो क्या ऐसा करना पड़ेगा आपको कि अगर आपके पास इकतदार आता है दोबारा तो इख्तियार भी मिले, ऐसा ना हो कि आपके अपने वजीर आला FIR दर्ज ना करवा पाएं आपकी मर्जी की? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उस इकदार का कोई फायदा नहीं है जिसमें इख्तियार ना हो, उसमें तो मेरी बेइज्जती होती है और आप कोई जानकारी नहीं थी। हमारी तो बिल्कुल यही प्रायोरिटी है कि और खान साहब ने तो बार बार ये कहा है कि अगर आप मैं दोबारा इंतखाबात में जाऊंगा तो मेरी कौम से यही रिक्वेस्ट है और मुतालबा है कि मुझे 2/3 मेजोरिटी दें ताकि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक कानून साजी कर सकूँ। क्योंकि अगर आप कानून साजी नहीं कर सकते, आप इख्तियारात है ही नहीं, तो फिर आप अपने एजेंडे की तकमील के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं और खान साहब की जो मकबूलियत है उसमें इस बात में कोई शक व शुबा ही नहीं है कि अल्लाह के फजल से 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा मेजोरिटी इंशाल्लाह हम लेकर वापस आएंगे, तो फिर ये मसाइल नहीं होंगे जो पिछली मरतबा थे और जहां पर आपको एक मजबूत अपोजिशन और बहुत ही एक थिन मेजोरिटी के साथ हुकूमत करनी होती है। तो उसके अपने मुजमरात होते हैं और अपने मसाइल होते हैं और उन मसाइल का नुकसान हमने उठाया है और भुगता है। तो मैं ये ठीक है, समझता हूँ कि दोबारा इंशाल्लाह ऐसी सिचुएशन ठीक नहीं है है। सर।